हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, हर किसी परिवार का जो किराए की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसका ज़िंदगी में एक ही सपना होता है कि उसके पास खुद का एक पक्का घर हो। कब तक किराए के घर में वो ज़िंदगी भर रहते रहेंगे? तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आप अपना खुद का घर ले सकते हैं, जिससे आपका सपना पूरा हो जाए। तो वो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका मकसद है कि 2022 तक सबके पास पक्का घर हो। तो इस योजना के बारे में आप जानेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसके लिए आवश्यक पात्रता क्या होनी चाहिए, इस योजना को लेने के बेनिफिट यानी लाभ क्या है, कैसे इस योजना को ले सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निम्न शर्तों को फॉलो करना होगा। पहली शर्त है आवेदक की उम्र। आवेदक की उम्र 21 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरी है आवेदक की आय। आवेदक की आय सैलरी से हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है या प्रोफेशनल हो सकती है। तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये योजना लागू है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस आय वर्ग में आते हैं। वैसे आवेदक के इनकम को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है EWS, जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहते हैं। दूसरा है LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप, और तीसरा है MIG मीडियम इनकम ग्रुप। MIG को 2 ग्रुप में बांटा गया है, MIG 1 और MIG 2। अब यहाँ तीसरी शर्त बताते हैं। तीसरी शर्त है पहले से नहीं होना चाहिए कोई भी पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि सभी को पक्का मकान मिले, लेकिन इस योजना की कुछ शर्त जरूर है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनके पास पहले से घर है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम है कि लाभ उसे ही मिलेगा जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा। चौथी शर्त है पहले से सरकारी योजना के तहत आवास ना हो। परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ न मिला हो। यदि परिवार के किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है तो उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता। पांचवी शर्त है आवेदक के पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति पत्नी और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं। छठवीं शर्त है परिवार में महिला मुखिया का होना आवश्यक। EWS और LIG की श्रेणी में आने वाले लोग अगर आवास लेना चाहते हैं तो उसमें महिला की ओनरशिप यानी महिला मुखिया का होना जरूरी है। लेकिन अगर वो पहले से बने हुए मकान में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कोई एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, जैसे बने हुए मकान में कोई नया कमरा बनवाना है या टॉयलेट और बाथरूम बनवाना है, तब उस स्थिति में महिला मुखिया का होना आवश्यक नहीं है। तो अगर आप इन सभी शर्तों का पालन करते हैं तब आप इस योजना के लिए पात्र हैं। अब जानते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत कितनी सब्सिडी देगी सरकार। सब्सिडी से पहले हम यह जान लेते हैं कि कितना अमाउंट इस योजना से लोन के रूप में ले सकते हैं और कितनी अवधि के लिए ले सकते हैं। तो बता दें, ज्यादा से ज्यादा इस लोन को 20 वर्ष तक के लिए ले सकते हैं, और लोन का अमाउंट भी आप कितना भी ले सकते हैं, चाहे आप 10 लाख रुपए लें या 1 करोड़ रुपए लें, लेकिन आपको सब्सिडी सिर्फ 2,67,000 रुपए की ही मिलेगी, वो भी कैटेगरी के अनुसार। तो जैसा अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि इनकम को 4 कैटेगरी में बांटा गया है,
पहली है EWS कैटेगरी, जिसको हम इकोनॉमिकली बीकर्स सेक्शन बोलते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी घरेलू इनकम साल की 3 लाख से कम है। इस इनकम में आपके पार्टनर की भी इनकम सम्मिलित है। इस कैटेगरी में आपको लोन पर 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। लोन चाहे आप 8% पे लें या 9% पे लें, लेकिन सरकार आपको इस पर 6.5% की सब्सिडी देगी। जैसे अगर आप होम लोन 8.5% पर लेते हैं, तब आपको 2% पर यह लोन पड़ेगा। इसमें एक शर्त है कि आप लोन चाहे जितने का लें, परंतु इस कैटेगरी में आपको 6 लाख रुपए तक पर ही 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। जैसे मान लो आप 10 लाख रुपए लोन के रूप में 8.5% इंटरेस्ट पर लेते हैं, तब यहां पर 6 लाख पर तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट लगेगा और बाकी की रकम पर 8.5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस कैटेगरी में लगभग 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। दूसरी कैटेगरी है LIG, यानी लोअर इनकम ग्रुप। तो ये वो लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 3 से 6 लाख के बीच होती है। तो इस कैटेगरी के लोग भी चाहे जितने अमाउंट का लोन लें, पर इनको भी सब्सिडी का फायदा 6 लाख रुपए तक के अमाउंट के लिए 6.5% के इंटरेस्ट से मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि इस कैटेगरी के लोग 645 स्क्वायर फीट तक का घर ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि अगर आप इन दो कैटेगरी यानी EWS और LIG में आते हैं, तो जरूरी है कि इस घर की ओनर या को ओनर कोई महिला हो। सिर्फ पुरुष इस दो कैटेगरी में मुखिया नहीं हो सकता। यह कंडीशन सिर्फ नया घर बनवाने के लिए है। पहले से बने हुए घर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए महिला मुखिया का होना आवश्यक नहीं है। इन दोनों कैटेगरी में लगभग 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। अब जानते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, वो है MIG 1, यानी मिडिल इनकम ग्रुप 1। ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है। यानी 12 लाख रुपए तक की आपकी सालाना आय है तो आप इस ग्रुप में आते हैं। इस कैटेगरी में आपको केवल 4% की सब्सिडी मिलती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि आप लोन चाहे जितने का लें, परंतु इस कैटेगरी में आपको 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% की सब्सिडी मिलेगी। इस कैटेगरी के लोग बड़ा घर ले सकते हैं। आप लगभग 1722 स्क्वायर फीट तक का घर ले सकते हैं और इस कैटेगरी में लगभग 2,35,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। तो ये तो थी MIG 1 कैटेगरी की। अब बात करते हैं MIG 2 कैटेगरी की। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच में है। ये लोग लगभग 2,152 स्क्वायर फीट तक का घर ले सकते हैं। इसमें एक शर्त है कि अब इस कैटेगरी में आपको सब्सिडी 3% की मिलेगी। जैसे मान लो आपने कोई लोन 9% पर लिया है, तो 3% काट के वो लोन आपको 6% का पड़ेगा। इसमें दूसरी शर्त है कि आप लोन चाहे जितने का लें, परंतु इस कैटेगरी में आपको 12 लाख रुपए तक पर ही 3% की सब्सिडी मिलेगी। इस कैटेगरी में लगभग आपको 2,30,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। अब जानते हैं कैसे इस योजना को ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस योजना को आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं। बहुत से ऐसे हाउसिंग फाइनेंस बैंक भी हैं जो इस योजना के तहत लोन देते हैं। इस स्कीम को आप ऑनलाइन आवेदन देकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन देना है, तो इसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से उस डिस्क्रिप्शन पर जाके आप डायरेक्ट इस योजना के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी इस स्कीम को ले सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम आपको यहां पर इस योजना के तहत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बताना चाह रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज इस स्कीम के लिए ये है कि इस 4 कैटेगरी में जो अभी हमने आपको बताई थी, उसमें से 2 कैटेगरी का टाइम पीरियड 31 मार्च 2020 तक ही है, और वो कैटेगरी है MIG 1 और MIG 2। तो शायद
अब इन दो कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर गवर्नमेंट इन दो कैटेगरी को एक्सटेंड करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये दो कैटेगरी 31 मार्च 2020 के बाद बंद हो जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं ये योजना जरूर आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नए वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।